आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है साहिल फिटनेस एंड स्पोर्ट। आज का जो टॉपिक है वो है वर्टिकल जंप। तो मुझसे बहुत से लड़कों ने पूछा था, मेरे जो भाई हैं जो गांव में रहते हैं उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो वो अपनी जंप के लिए कैसे क्या करें। तो मैं उसके लिए आज बताता हूँ आपको। पहले करना है ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप 45 मीटर के 4 सेट, वो एडवांस के लिए है। जो अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए 20 मीटर्स है, और मैं आज आपको करके दिखाऊंगा ब्रॉड जंप करते कैसे हैं। तो पहले जो ब्रॉड जंप हम करेंगे, देन हाथ ऊपर रहेगा हमारा और आर्म स्विंग होगा जस्ट लाइक। तो इसको कंटिन्यूसली जंप करते हुए जाना है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये कोन लगे हुए हैं, आप ये कोन देख रहे हैं, तो ऐसे ही हम 20 मीटर्स का या 45 मीटर्स का, जो भी आपको लगता है कि आर्म है कितना कर सकता हूँ। तो जैसे ये मैं 20 मीटर का मैंने लगा रखा है, मेरी शायद ये 20 मीटर भी नहीं है। तो यहाँ से हमें कंटिन्यूसली जंप करते हुए जाना है। देन इसके हमें करने हैं 4 सेट और 45 मीटर्स के, 4 सेट करने हैं 45 मीटर्स के। और उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट जंप। तो इसके भी हमें 4 सेट करने हैं और 10 जंप होंगे एक सेट में, एक रेप्स में सॉरी। तो वो है, पहले हमें अपने आर्म स्विंग करेंगे। हम आर्म स्विंग करना नहीं छोड़ेंगे, आर्म स्विंग होगा और बैंड जाएंगे, बैंड नी बैंड होगा और हम फिर जंप लेंगे, फिर बैंड होंगे फिर जंप लेंगे। तो हमें ये करना है। और जब हमारा ब्रॉड जंप कंप्लीट हो जाएगा और जब हम स्क्वाट जंप पे आएंगे, तो हमें उसमें जो है 2 मिनट का रेस्ट लेना है। आप उसमें पानी पी सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो अभी जो है वह है ड्रॉप बॉक्स जंप, और उसको हम ये दिखाएंगे कि ड्रॉप बॉक्स जंप करते कैसे हैं। ऐसे 1 फीट या 1.5 फीट की हाइट पे चले जाना है हमें गाइस, और उसके बाद नीचे जाएंगे एंड हिट। और जितना मैक्सिमम जंप हमारा हो सकता है उतना खींचना है हमें जंप। और इसके हमें 15 रेप्स लगाने, 4 सेट होंगे इसके, और उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट होगा। अगेन हर एक्सरसाइज के बाद 2 मिनट का रेस्ट करना है हमें। जब 2 मिनट के रेस्ट के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है काफ रेजेस। काफ रेजेस के लिए आपको क्या करना है, या तो आप किसी ऐसी ऊंची जगह पे जा सकते हैं, थोड़ी सी ऊंची जगह हो, या आप किसी पार्टनर के साथ, अभी मेरे पास तो कोई पार्टनर नहीं है, उसके हाथ पे रख के काफ रेजेस कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर धीरे से स्ट्रेच करेंगे, आपको जैसे दिख रहा होगा काफ, ये पूरा खींचना है और कुछ स्लोली नीचे जाना है स्लोली। इसके भी हमें 4 सेट करने हैं और 10 रेप्स होंगे पर सेट में। उसके बाद जो है आपको स्ट्रेचिंग करनी है, लेकिन ये वर्कआउट आपको वीकली 1 डे करना है, क्योंकि इस वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स में बहुत टियर होंगी और उसके लिए रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। साथ में अपनी आप डाइट का ध्यान रखें, रेस्ट का ध्यान रखें। जंप बढ़ाने के लिए मसल्स की रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है, तो सिर्फ वर्कआउट से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको रेस्ट भी ज़रूरी है, डाइट भी ज़रूरी है। ये था हमारा एक्सप्लोसिव जंप। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।